आज हम बना रहे चिकन की एक ऐसी डिश जिसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये कितनी लजीज और कितनी बेहतरीन डिश है। जी हाँ, आज हम बना रहे चिकन जहांपनाह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो चिकन। उसमें मैं मिला रही हूँ 150 ग्राम दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैरिनेशन में कोई कसर नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैरिनेशन अच्छा रहेगा तभी फ्लेवर्स अंदर तक जाएंगे चिकन में। अब मैंने लिया है 1 चम्मच भुना जीरा का पाउडर, 1.5 से 2 चम्मच लिया है धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। स्वादानुसार नमक लेंगे और यहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैंने ली है 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे आधा नींबू का रस। अगर आपका दही बहुत खट्टा है तो आप नींबू का अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटा ये मैरिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर 1 प्याज के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। उसके बाद यहाँ पर 10 से 12 काजू को भिगो के रख दिया है। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 2 से 3 हरी इलायची आप ले सकते हैं, 4 से 5 काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग लिए है। इन सबको हमें हल्का सा भून लेना है और फिर इसका एक हम पाउडर बनाएंगे। मसालों को भूनने के बाद उन्हें ठंडा होने दीजिए ताकि वो मिक्सर में जले नहीं, ठीक है। अब हम इसका पाउडर भी बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। 2 प्याज को हमने कट करके रख लिया है, ये प्याज हरी मिर्च का पेस्ट हो गया, ये हमने जो अभी मसाला बनाया वो रेडी है, और ये काजू का जो हमने पेस्ट बनाना था वो भी हमने बना लिया है। जो एक्चुअल क्रीमीनेस आएगा, रिचनेस आएगी हमारी डिश में, वो काजू के पेस्ट से ही आएगी, ठीक है। तो चलिए अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई और उसमें लिया है 3 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। सारा का सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे और जो भी मैरिनेशन होगा वो भी इसमें डालना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम मिलाएंगे जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी, और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। ये वाली रेसिपी आसान इसलिए भी है क्योंकि हमने सारे मिर्च मसाले ना मैरिनेशन के टाइम पे ही डाले हैं, तो अभी हमें अलग से कोई भी मिर्च मसाले डालने की जरूरत नहीं है। जब आप पूरी ग्रेवी बना लोगी तो आप एक बार नमक चेक कर लेना, नमक हो सकता है कम हो तो आप बस हल्का सा नमक बाद में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, लेकिन चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और उसी में ये पक रहा था। तो अब हम इसमें डालेंगे जो पाउडर हमने बनाया हुआ था अभी, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में हमने सौंफ, हरी इलायची, ये सब कुछ भी डाला हुआ है, तो इसमें ना बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट में हल्का सा मिठास भी रहेगी। तो बड़ों के साथ साथ ना आप ये डिश बच्चों को भी जरूर दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। अब इसे ढककर हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहना, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये चिकन पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट, और जैसे ही आप काजू का पेस्ट डालोगे कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आ जाएगा। तो अब चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब तक हमने इस ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, ये चिकन का जो पानी था उसी में ये पक रहा था, ठीक है। अब जब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे तो आप इसमें चाहे तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब बस हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बन के आई है, चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो गैस को कर देंगे हम बंद। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 स्लीट की हुई हरी मिर्च और खूब सारा धनिया। हरी मिर्च डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको ढक देंगे। इससे क्या है, धनिया का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।